भाजपा नेता अमित मालवीय ने द वैक्सीन वॉर मूवी की वीडियो क्लिप शेयर कर की तारीफ, तो एक्टर प्रकाश राज ने पीएम मोदी की भूमिका पर उठाए सवाल। विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द वैक्सीन वॉर बॉक्स ऑफिस पर शुरू से ही सुस्त दिखाई दे रही है। फिल्म का कलेक्शन बहुत धीमा है। फिल्म ने 8 दिनों में कुल 8 करोड़ रुपए ही कमाए हैं और 9वें दिन फिल्म तो बुरी तरह से फेल हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9वें दिन फिल्म ने महज 8-9 लाख ही कमाए। मैं इस फिल्म के पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेता तारीफ करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वैक्सीन वॉर मूवी से एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, सिर्फ साइंस ही इस लड़ाई को जिता सकती है, पीएम मोदी ने कहा। दरअसल जो वीडियो क्लिप उन्होंने शेयर करी है उसमें दिखाया गया है कि नाना पाटेकर जो एक साइंटिस्ट हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि पीएम का कहना है कि ये युद्ध हम सिर्फ साइंस से ही जीत सकते हैं। आपके पास कई लोग आएंगे स्टूडेंट्स तो उन्हें टोटके लेके, लेकिन आपके सारे निर्णय साइंस पर ही आधारित होने चाहिए, साइंस से दूर मत हटिएगा। जिस पर सामने खड़ी डॉक्टर हैरानी जताते हुए कहती हैं, पीएम ने असल में ऐसा कहा है। अब अमित मालवीय द्वारा की गई इस पोस्ट पर एक्टर प्रकाश राज ने रिएक्ट करते हुए लिखा, वो है फिल्म सार, लेकिन हकीकत में हमें किसने कहा, घंटा बजाओ थाली बजाओ और गाओ, गो करो ना गो, जस्ट आस्किंग। एक्टर प्रकाश राज की ट्वीट पर कई यूजर्स भी रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अरे रहने दो भाई, हमारा कोरोना तो भाभी जी पापड़ खाकर दूध हुआ था, कुछ भी। एक और यूजर लिखते हैं, हेल्थ मिनिस्टर कोरोनिल बेच रहे थे, पीएम थाली भजवा रहे थे, बीजेपी पार्टी के लोग गोबर गोमूत्र का प्रचार कर रहे थे, साइंस का प्रचार तो सत्ताधारी कर ही नहीं रहे थे, कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, हम तो ऑक्सीजन की भीख शौकिया मांग रहे थे। एक यूजर लिखते हैं, फिर कौन बोला थाली बजाओ। तो एक और यूजर ने लिखा, पीएम तो थाली थाली भजवा कर कोरोना पर विजय प्राप्त करवा रहे थे। एक यूजर ने लिखा, अमित मालवीय साइंस नहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस बोलिए जनाब। एक यूजर लिखते हैं, थाली बजाओ में कौन सा साइंस था ब्रो। तो नवीन कुमार नाम के यूजर लिखते हैं, फिल्म पर भी पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्हें इस पर यकीन करना ही था। वैसे मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान दिया, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं करूंगा कि कोई प्रधानमंत्री श्रेय लेने के तुरंत बाद खुद को झकझोर कर रख दे। एक यूजर ने लिखा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक और यूजर लिखते हैं, भाभी जी पापड़ खाओ कोरोना भगाओ और हर्षवर्धन जी का कोरोनिल टैबलेट का प्रचार, बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के इलाज के लिए गलत ठहराना। बीजेपी नेता अमित मालवीय की इस पोस्ट पर एक्टर प्रकाश राज के इस रिएक्शन को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें।